अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्केटिंग रिंक, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बोरीवली में उद्घाटन संपन्न। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बोरीवली पश्चिम स्वामी विवेकानंद चौक पर स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का नूतनीकरण और आर्ट गैलरी का उद्घाटन भाजपा विधायक मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार के हाथों किया गया। इस स्मृति का नूतनीकरण और आर्ट गैलरी की परिकल्पना बोरीवली के विधायक सुनील राणे द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के साथ कांदिवली पश्चिम महावीर नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्केटिंग रिंक, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी भाजपा मुंबई अध्यक्ष विधायक आशीष शेलार के हाथों किया गया। यह स्केटिंग रिंक बनाने की भी परिकल्पना विधायक सुनील राणे की थी, जो एक साल की कड़ी मशक्कत के बाद बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के बाद ही बच्चों ने स्केटिंग रिंक पर स्केटिंग का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा मुंबई अध्यक्ष विधायक एडवोकेट आशीष सेलार, पहलवान ओलंपिक एथलीट नरसिम्हा यादव, विधायक सुनील राणे, विधायिका मनीषा चौधरी, बीएमसी उपायुक्त परिमंडल साथ, भाग्यश्री कापसे, सहायक आयुक्त आर मध्य संध्या नांदेडकर के साथ भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक सुनील राणे के नेतृत्व में विशेष रूप से युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह नवनिर्मित आधुनिक खेल परिसर बनाया गया। कार्यक्रमों द्वारा शुरू हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, बोल दे, बोल दे, भारत माता की। आमदार सुनील राणे यांच्या प्रयत्नातून झालं आणि बरोबरीने स्वामीजींच्या जीवनाचा परिचय सामान्य माणसाला सहजतेने व्हावा म्हणून एक कलाकार गॅलरी सेंटर या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्ट बनवलेलं आहे। आमचे आमदार स्वामीजींच्या जीवनाचा परिचय सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवा म्हणून सातत्याने काम करत आहेत आणि मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचं कार्य हे भारत देश जगामध्ये ज्या पद्धतीची ओळख निर्माण करतोय त्या ओळखीचं पुन्हा एकदा स्मरण करून देण्यासाठी स्वामीजींचं जीवन समजून घेणं आवश्यक आहे, यासाठी केलं आहे, त्याचं मला अभिनंदन। सर सामने देखिएगा सेंटर। रोल रोल 36 विधायकों में सर नंबर वन का खिताब आज आपको आशीष सेलार जी ने दिया, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, नंबर के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ा हूँ, ना कभी दौड़ूंगा, लेकिन लोगों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने जिस विश्वास से मुझे बोरीवली भेजा था उस विश्वास को और प्रामाणिकता से काम करने के पश्चात जो आपके सभी के सामने लगातार पिछले 3 वर्षों से मैंने जो काम किए वो रखे और आप लोगों ने जिस तरह से बोरीवलीकरों ने जिस तरह से सभी कार्यक्रमों को सराहा, उल्लेखनीय जो काम हमारी सभी के टीम ने मिलकर किए और आज बोरीवली में मुझे आनंद होता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्केटिंग रिंग, इन्हें सही मायने में तो ये दूसरा है बोरीवली के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्केटिंग रिंग, उसी के साथ साथ बॉक्सिंग और उसी के साथ साथ बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और जूडो ये हमने उसमें जोड़ दिया है। बहुत ही आधुनिकता से काम करने वाले और इस देश को
आधुनिकता के माध्यम से आधुनिक भारत बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता को हम वास्तविकता में उतारने का काम हम सभी लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य आप सभी ने देखा है, और ये दृश्य इसी चिर परिचित बोरीवली के नागरिकों का है जिनके आज की आधुनिक पीढ़ी के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस मैदान पर उपस्थित हैं।